वोटिंग लगातार जारी है। इसके अलावा अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, श्रावस्ती में भी वोटिंग चल रही है, यानी योगी सरकार के 6 मंत्रियों की सीटों पर वोटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। और देखिए 61 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, तो अब देखना होगा कि इस बार बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाती है या नहीं, क्योंकि ये बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के सामने है। अब ऐसे में बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं इस बार क्या करिश्मा कर दिखाते हैं, ये देखना होगा। 61 सीटें, उनमें से 50 सीटों पर कब्जा बीजेपी उसके सहयोगी दलों का पिछली बार रहा है। 6 मंत्री योगी सरकार के, आज उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी। इसके अलावा अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, श्रावस्ती, ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर सभी की नजर बनी हुई है। नंदगोपाल नंदी मैदान में है, मनकापुर से रमापति शास्त्री हैं, चित्रकूट से चंद्रिका उपाध्याय हैं, तो राजा भैया की सीट कुंडा पर भी वोटिंग लगातार देखने को मिल रही है। तो देखिए अब यहां पर मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, अलग अलग दलों से, और वो भी वो प्रमुख दल जो आमने सामने है चुनावी मैदान में। तो ऐसे में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि मां कृष्णा पटेल के सामने उनकी बेटी है अनुप्रिया पटेल। तो ऐसे में दोनों ही जो धड़े हैं वो चुनावी मैदान में है, अपना दल के ही दोनों धड़े। और ऐसे में अब आज इस गठबंधन में जीत किसकी होती है, आखिर आमने सामने मां बेटी को कौन मात देता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। है अब ऐसे में पल्लवी पटेल उन्हें कितनी बड़ी टक्कर दे पाती है, यह जानना सबसे दिलचस्प हो जाएगा। तो सिराथू विधानसभा सीट 18 चुनावी मैदान में प्रत्याशी।